अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूँ ख्वाजा आफ्ताब हसन, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो बग़ैर किसी तारुफ़ के उनके चेहरे को देख के ही लोग पहचान जाते हैं कि ये सिवराज संधू साहब हैं। सिवराज साहब, सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। आई हूँ तुहानू, तुसी लाहौर दे विच पंजाबी आलमी कॉन्फ्रेंस से तशरीफ ले आए हो, और ताड़ा तारुफ यकीनन बतौर अदाकार ते है ही है। असी चाहवांगे कि तुसी साडे व्यूअर्स नू अपने बारे च थोड़ा जिहा दसो कि किहड़े इलाके नाल ताल्लुक है और की लाइफ स्टोरी की है ताड़ी। सत श्री अकाल जी, मैं सिवराज संधू, मैं उस पंजाब तो आया, चढ़ते पंजाब तो। मेरा तालक जां मेरा रिश्ता जां जन्म भूमि तो मेरी तरन तारण आ। तरन तारण के नेड़े एक पिंड आ सरहाली, वो संधुआ के पिंड आ सारे, असी संधु उत्थों। तो मेरी परवरिश और मेरी पढ़ाई वगैरह चंडीगढ़ च हुई। मैं उत्थे नौकरी की डी ए वी कॉलेज चंडीगढ़ के पंजाबी डिपार्टमेंट के, मैं हैड के तौर पर रिटायर हुआ। तो मेरी पी एच डी थिएटर दे विच आ, और मैं बहुत साल चंडीगढ़ च रह के थिएटर किया, प्रैक्टिकल थिएटर किया, और थिएटर करन दे नाल नाल उत्थे एक डिपार्टमेंट हैगा ड्रामा डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी दे विच, और उस डिपार्टमेंट दे विच मैं शुरू तो ही बलवंत गार्गी तो बाद वह साडे बड़े बड़े प्लेराइट और पहले वो डायरैक्टर सी। तो मैं उत्थे एक क्लास एम ए दी उत्थे मैं उन्होंने मैनू लैण वास्ते लाया। मैं पढ़ाउंदा रहा, पढ़ाउंदा पढ़ाउंदा हौली हौली मैं काफ़ी साल उत्थे दोपहर नूं एक क्लास मेरी हुंदी सी, एम ए पार्ट वन एम ए पार्ट वन टू। तो वो ड्रामे वाले जिहड़े बच्चे हैगे आ उन्हां नूं पंजाबी नाटक पढ़ाउंदे हुए मेरा उन्हां दे नाल इन्ना नेड़ला तलका ते इन्ना प्यारे संबंध होए, क्योंकि उत्थों फिर बच्चे निकल के ते अगे फिल्मां दे विच थिएटर दे विच जांदे आ। तां उन्हां दे राहीं ही मैं बहुत पहला कितने एक छोटी जी फिल्म वैरी जट पंजाबी बनी सी, उस मैनू छोटा जहा मैं करैक्टर किया। तो फिर चल सो चल तो मैं तकरीबन 45 फिल्मा पंजाबी और बॉलीवुड च मेरिया काफ़ी मशहूर फिल्म उड़ता पंजाब, फिर मन मर्जियाँ, भंगड़ा पाले वगैरह वगैरह अच्छी फिल्म आई हैं। तो मैं इधर पंजाबी जे कोई चर्चित फिल्मा मैं कहाँ तो जद्दी सरदार एक बहुत वड्डी फिल्म आ। हाँ जी, मैं मेरा मेन करैक्टर फादर दा सही, और उहदे नाल दाणा पाणी, भज्जो वीरो वे, यारा वे, इस तरह बहुत सारिया फिल्मा है। फिर साडे उधर नैटफलैक्स सीरीज़ वगैरह चलदी जी, जी। मैं काफ़ी वड्डे नैटफलैक्स सीरीज़ कीतियाँ, उन्हां चों कैट आ, ब्लड हैगा, टब्बर हैगा, एक बड़ी वड्डी हैगी नैटफलैक्स सीरीज़। तो मैं अज भी काम कर रहा हूँ, मैं इतों जाते हैं सारी, एक बहुत वड्डी फिल्म हैगी आ विंगी धौण, वह नाम आ। अच्छा। मैं वो मेन करैक्टर आ, मेरा फैमिली का हैड। अच्छा। तो मैं 15 दिन का शूट आ उ। अच्छा। तो कानफ्रांस के सिलसिले में मेरी ये कोई चौथी फेरी आ लाहौर की, क्योंकि पहला भी होर तरह के ढंग के नाल असी इतने आए सी, विजिटिंग के तौर के उत्ते भी, तो ननकाणा साहब भी, इस करके। तो पिछली दफ़ा भी मैं जो करोना तो पहली कानफ्रांस हुई इतने आया सी, हूँ भी आया वा। तो कानफ्रांसा के आने का एक तो तुहाड़ियां दोस्तियां प्यार मुहब्बत वो होर वाधा वा, जिन्ना एक दूजे नूं मिलीए ते तुहाड़ियां बड़ियां सांझां डिवेलप हुंदियां। ते तुसीं देखो हुण सांझे पंजाब दे विच कुछ फिल्मां भी बन लग पईआं, जिवें चल मेरा पुत्त, पहली दूजी तीजी, आर्टिस्ट मिलके काम कर रहे ने, मिलके काम करदे आ। और हुण एक होर फिल्म बनी आ चल मेरा पुत्त मैक्सीको चलीए। हाँ, मैक्सीको चलीए। असल च तुहाडे मसले इत्थे होर ने, साडे मसले होर ने, बहुत कुछ साडा सांझा। मेरा पेपर भी इसे चीज़ के उत्ते सी कि असी 90% साडी सांझ आ, साडे सुपने सांझे आ, साडे दुख सुख सांझे आ, साडियां सोचण दियां, साडे उठण बैठण, साडे रस्मों रिवाज, साडा खाण पीण, साडियां रातां, साडे दिन, साडा सारा कुछ इक्को जिहा वा, क्योंकि असी पंजाबी इस खिते दे लोक हैगे आ, बड़े जानदार लोक हाँ। क्योंकि बहुत सारे हमलों तो बाद एक जिहड़ी नसल साडी डिवेलप होई, बहुत सारिया कौमां इत्थे आईआं, कोई 100 साल रही, कोई 150 साल रही, उन्होंने इत्थे राज कीते, एक होर कौम आ गई, वो फिर हौली 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 मल्टी रेशियल लोग हाँ, असी बड़े जानदार हाँ, सोहने सुनखे हाँ, जवान हाँ, हिम्मती हाँ, साहस वाले हाँ, बल वाले हाँ, बड़े चंगे लोग हाँ, असी प्यार करन वाले लोग है। तो वो कानफ्रांसा दे विच आ के फिर उन्हां सांझां नूं असी डिवेलप करते हैं। और साढ़े जे उन्हां ते मसले की है, साढ़े दो मसले इस वक्त सब तो वड्डे है। एक तो साढ़े बच्चे जिहड़े आ ना, वो बाहर जा रहे ने, वो प्रवास कर रहे ने, वो रोटी रोजी के चक्कर दे विच आइलैट्स वगैरह करके कनेडा अमरीका दे विच इंग्लैंड च आस्ट्रेलिया च दौड़ लगी हुई आ, और साडे घरां विच मापे
क्योंकि पहला ही साढ़े दो बच्चे ने काफ़ी देर तो साढ़े दो बच्चे ने हूँ तो एक भी है एक तो वह भी बाहर चले गया तो माँ बाप घर कले ने एक तो साढ़े मसले है क्योंकि जे साढ़े उत्थे कोई रुजगार का इस तरह के साधन मिलन या बच्चों फरदर कोई डिवेलपमेंट के वास्ते ज बच्चे जिंदगी जीण ली मिले सब कुछ तो उन्होंने बाहर जाने की लड़ नहीं सो ये बहुत व्डा मसला साढ़े को सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिता और दूजा मसला साढ़े नशिया का है साढ़े कैमिकल नशे बहुत बिल्कुल वो जो कैमिकल नशे है ना वो जदों भी किसी थान ग्रो हों ना डिवेलपमेंट बहुत हो जाती है पैसा हो जाता बहुत कुछ हो जाता फिर इंसान यह जो पुठे चल पाएगा इजाफी पैसा तुम फिर वो खर्च करने लिए फिर पुठे रस्ते बिल्कुल तो वह फिर साढ़े वो जो नशे है ना वो जी पीढ़ी है ना नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है लोग नशे करते हैं पिंडा के शमशान घाट है जोड़े सिवे आ उत्थे टीके लाते नौजवान बुरे हाल होए पे एक उन्हों बचाउन दी लोड़ हैगी वो साढ़े मसले आ ते तीजा हैगा कि एक तो लीगली लोग साढ़े बाहर जाते हैं जिवें पास करके आइलैट्स वगैरह प्रोपर वे दे नाल जाते एक हैगे चोरी जाते जिहड़े चोरी जाते उन्हां नूं एजेंट लुट लैंदे उन्हां दे घरां नूं वो 15-20-25 लाख जमीन गहने पा के जाते और फिर वो जाते मैक्सीको अच्छा तुहानूं पता लगेगा कि फिल्म का मैक्सीको का की मतलब वो जाते हैं मैक्सीको मैक्सीको के जंगल आ बहुत वड्डे वड्डे जंगल है और अमेरिका दे नाल उहदी हद लगदी है अमेरिका एडवांस मोस्ट एडवांस कंट्री है और वो गरीब जिहा मुल्क है वो लागे ठीक गरीब बहुत है ठीक हुण उस गरीब मुल्क दे विच पैसे लैके वाड़ दिंदे उन्होंने और वो फिर जंगलों धक्के खांदे खांदे फिर चोरी दीवार टप के उस पासे अमरीका च वड़दे आ और उन्हां च बड़ियां उत्थों यूट्यूब ते कहानियां आउंदियां वो मुंडे दसदे आ वी सानूं कई पिंजर स्केलेटन मिले मरे हुए मुंडियां दे जिहड़े भुक्खे ते आए मर गए जंगलां दे विच हां बुरे हाल वो साडी उस समस्या नूं लैके फिल्म आ कि चल मेरा पुत मैक्सीको चलीए सो ये साडे कुछ मसले इन्ने ज़्यादा बकराल रूप दे विच उत्ते हैगे आ कि उन्होंने टैकल करने की लोड़ आ ते फिल्म जां आर्ट की जिहड़ी दुनिया हैगी आ ना ये उन्हां मसलों के उत्ते उंगल रखती है और उन्हां मसलों पर उंगल रख के उन्होंने सामने लिया जाता इस करके हुण इस किस्म दीआं फिल्मां बन रही एक साडा पुराना जिहड़ा कल्चर साडा सांझा कल्चर सी जिहदे च इन्नियां जानदार रवायतां सी मनुखता नाल प्यार करन वाले लोग सी उन्हां दे उत्ते भी फिल्मां बणियां जिवें अंग्रेज़ की आपां गल करदे बिल्कुल ते मैं क्योंकि फिल्म लाइन के नाल जुड़िया होया वा बहुत सालों तो जुड़िया होया वा तो मैं देखदा वा कि उही सबजैक्ट उही मसले उहदे च विचारे जांदे आ जिवें जी आया फिल्म तो बाद साडा सारा स्ट्रक्चर ही बदल गया ठीक नहीं तो पहलियां फिल्मां दे विच एक एज्ड कॉमेडियन पिंडा च आशिकी जी करदे फिरदे जी वो खत्म हो गया काम और रवायती जा करैक्टर सन वो खत्म हो गया ठीक हो गया हुण मसले साडे हो रहे और उहदे उत्ते फिल्मां साडियां हुण रियलिटी बेस कह सकने असीं कि साडियां फिल्मां काफ़ी हद तक उहनां दे और मैनूं हैरानगी आ कि तुहाडे इधर बड़ियां पसंद कीतियां जांदियां फिल्मां कि मैनूं बहुत सारे लोग मिले ने वो दसदे ने जी असीं तां तुहाडे तों मतलब जिस वेले फिल्म आउंदी पहले देख लैंदे आ चेहरा शनासाई भी है और लोग मुंतजर भी रहिंदे ने फिर जाहिर है सोशल मीडिया ते उहदी पब्लिसिटी का भी सिलसिला लोगों को इंतजार भी रहता है। अच्छा सरदार जी तुम जे मिसाइल की गल की है जेडे नौजवानों के हवाले खास तौर पर और रिसेंटली इंतखाबात भी होए ने और गालिब इमकान है कि भगवंत सिंह साहब जड़े ने वो इकतदार संभाल लेंगे तो की लगता है कि यह मामलात किसी हद तक गलों तो बड़िया सोहनिया कर देने वो असल विच इहदी थोड़ी जी बैकग्राउंड आ जी जी कि 47 तो बाद कांग्रेस जिहड़ी पार्टी आ पूरे हिंदुस्तान दे विच उहदा राज रिहा आज़ादी दे लड़ाई विच बहुत वड्डा रोल आ कांग्रेस दा कोई शक नहीं इहदे च ते कांग्रेस ही रही स्टेटां विच भी ते साडे सेंट्रल लैवल दे उत्ते भी उस तों बाद 1966 तक ऑलमोस्ट कांग्रेस चलती रही और वो बराबर बराबर कम्यूनिस्ट भी बहुत डिवेलप हुए CPI जिन्हों कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहने वह भी काफ़ी बोलबाला सी और लगता सी भी हौली हौली कांग्रेस का बदल CPI हो जाएगी लेकिन 66 दे विच पंजाबी सूबा लै लिया पंजाबी सूबा लै लिया 66 दे विच और वो पंजाबी सूबा लैण तो बाद जिहड़े लोकल उत्थों दे जिहड़े हैगे आ सिख ने अकालिया के रूप जो सिख ने वो पावर में आ गए क्योंकि उन्होंने पंजाबी बोलता उन्ना क इलाका मिल गया उन्होंने मोनोपली होगी और 66 तो बाद अकाली गवर्नमेंट बननी शुरू होगी उसे बहुत सारे अकाली लीडर आए हूँ बहुत सारे फौत भी हो चुके हैं जब बादल वगैरह के कोल आया सारा कुछ फिर वो श्रोमणी अकाली श्रोमणी मैंने दवा सुप्रीम मेन मेन अकाली दल वो फिर बन गया फिर वो चलता रहा सिलसिला लोग इन दोनों पार्टियां तो 5 साल 1 5 साल बाद 5 साल 1 साल बाद लोग इन्ने दुखी हुए आ
कि इन्होंने मसलों हल करने की बजाए इन्होंने अपनिया झोलियां भरिया अपने पैसे बनाए मसले उस तरह खड़े साढ़े अपने अंदरूनी मसले होर भी आडे अपने सेंटर न मसले है सा पानिया का मसला पिछले बड़ी वो किसान धेरी चली हाँ जी सा जुबान का मसला है साड़िया फसलों चकन का मसला है वा जिद वास्ते कि वीड्डी तय सू लड़ाई लड़ी बिल्कुल ऐसे कि साड़िया कणक फसलों को कोई चकता नहीं गा वो सारे सिलसिले के ना लोग इन्हों तो इन रवायती पार्टियां तो इन्ने अक चुके आ कि लोग तीजा बदल चाहते सी ठीक तो इस वक्त कम्यूनिज्म तो खत्म ही आ हो गया कोई कामरेड तुहानू नज़र नहीं आता कोई सी पी आई है नहीं उत्थे नज़र आउंदी लोगों के दिलों च आ किताबों च आ ते फिर तीजे बदल दे रूप विच इह जिहनूं असीं झाड़ू पार्टी भी कह दिंदे आ क्योंकि उहनां दा चोण निशान सी ना उहनां दा हाँ जी और उहने केजरीवाल साहब दिल्ली दे विच उन्होंने इनकलाब लै आंदा दिल्ली दे विच जिहड़ी रवायत उन्हें तोड़ दित्ती तीजी वारी कामयाब होए हो हां जी और भगवंत मान होनी चाहिए साडी जिहड़ी इत्थों दी पार्टी हुण नवीं बणी होण चाहिए आ इह सारी उहनां दे नाल ही जुड़ी हुई आ और भगवंत मान साडे मजाइया कलाकार हाँ बहुत सालों तो असीं इकट्ठे भी करते रहे काम करते रहे बहुत शानदार बंदा वा शानदार कलाकार और वो एरकी हिंदुस्तान के आज़ादी तो बाद 92 सीटा 117 सीटा जो लैनिया रिकॉर्ड आ बिल्कुल रिकॉर्ड आ उन्हें झाड़ू भी फेरता सारी काम देते और हुण सिंगल मेजॉरिटी आ गए हाँ जी हुण सानू ये आसा वा ठीक कि भगवंत मान के रूप के साडे मसले हल होणगे साड़िया प्रॉब्लम का कोई हल होएगा असी एक एक नवा पंजाब हुण देख रहे हैं नवा सूरज उगदा देख रहे हैं रब करे ये साड़िया आसा पूरियां होण ते भगवंत मान जो वादे किए उन्हां लोकां नाल उत्ते पूरा उतरे और लोगों को सुख का सह आए उन्होंने बच्चे बाहरों जाणों हटन साडे नशियां का खात्मा होवे असी फिर मेहनत करिए रज के खा कमा ते हस सकीए। अच्छा सरदार जी जिहड़ा पिछे बड़ी लंबी तहरीक चली किसान तहरीक उहदे ज़ाहिर है उहदे बहुत सारे इशूज़ भी सन ते उहदे विच एक बहुत वड्डा इशू सी कि किसानां दा पिछले कई सालों तो खुदकुशियां दा जिहड़ा मामला सी जमीनां दे खादां दे मामलात और कर्ज़ियां दा मामला ये की लगता है कि भगवंत मान ये जिहड़ा उत्थे पंजाब दा चढ़दे पंजाब दे ते उहदी ते पैदावार ही पूरे इंडिया नूं चला रही है तो क्या जिहड़ा दरीना मसला मरकज़ दे नाल चलता पिया है उहदा सूबे दा ये मामला हल कर लैणगे? देखो जी कोशिश आ लेकिन साढ़े मसले मैं पहला भी अर्ज की कि साढ़े मसले तुहाडे नालों बहुत फर्क आ साढ़े की होगा कि एक तो प्रोस्पैरिटी बहुत आ गई साढ़े खुशहाली बहुत होगी और खुशहाली होने के नाल ना लोगों ने रीस करके रीस तो समझते हैं ना दूसरे रीस करके उन्होंने ना कर्जे बहुत लाए बैंक कर्जे लैके दस दस लाख च लड़कियां दे व्याह करने ये वो बड़े बड़े पैलेस मकान बने ट्रैक्टर ये वो कर्जे वापस नहीं किते वापस नहीं किते क्योंकि सेंटर वालों पंजाब दे नाल वितकरा होण करके ना मदद पूरी नहीं मिल रही बिल्कुल साडियां कणकां नहीं चक्कियां जा रही साडी आमदन नहीं सी उन्नी रह गई वो जिहड़े कर्जे चढ़े एक पंजाब एक बहुत वड्डे क्राइसिस चों निकलिया जिहनूं असीं अतवाद कहिंदे आ ठीक उस अतवाद दे विच पंजाब दे उत्ते जिन्ना खर्चा होया ना सेंटर दा वो कर्जे दे रूप विच उन्हां नूं व्याज देना पै रिहा इस वेले और वो पंजाब दी जिन्ना बजट है ना वो किन्ना ब्याज कट्ठा करके उन्होंने देना पै रहा वा सेंटर नू अगर वो सेंटर कर्जा माफ़ कर दे पंजाब दा ते वो ब्याज दे रूप में पैसा पंजाब दी डिवेलपमेंट वास्ते लगे ते उहदे नाल जिंदगी बदल सकती है वो साड़ी जिहड़ी सरकार आउंदी है ना वो हर पाँच साल बाद कर्जा वधी जांदा दूजा कर्जा वो हैगा कि जिहड़े तनाड़ लोगों ने कर्जे लाया वो वापस नहीं दे रहे फिर बिजली फ्री दी जाती है क्योंकि बिजली फ्री नहीं चाहिए जे बिजली दी जाए लेकिन पैसे लै जाण जो घट रेट लै जाण इन्ने ना रेट लै जाण ठीक रेट दे उत्ते बिजली लोग चाहते हैं कि बिजली दो तो इस तरह के मिसाइल साढ़े ज इस तरह के मसले साढ़े है वो ना कर्जिया के लोग तंग आ के लोग तो फिर वो एक हैगा कि जिहड़ा बंदा खुदकुशी करके मर जाता कर्जा भी माफ हो जाता तो उन्होंने नौकरी भी मिलती न्याणियों अच्छा उस चीज़ ने उत्साहित किया भी असं तो हम मरे ही हुए हैं मरो तो गां परिवार अपना कर्जे तो भी जान छुड़ाओ तो दूजा भी सिलसिला देखो जे तो भगवंत मान के कोशिश के नाल कर्जा कि माफ हो सेंटर वाला जो सारा पैसा इतों की डिवेलपमेंट वास्ते लगे तो बहुत वधिया हो सकता उम्मीद की जा सकती उम्मीद की जून अच्छा सरदार जी एक आखिरी गल जी यकीन बड़ी अहम है खास तौर पर जो
ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੌਰੇ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਮਕਾਨਾਤ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 31 ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ, 31 ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰੋਖੇ ਲਾਓ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਾਲ ਦੀ ਕੌਲੀ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਲ ਦੀ ਕੌਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀਏ, ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਲੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ ਲੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਝਰੋਖੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੰਡਦੇ ਰਹੀਏ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਧੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਸਿਮਰਾਜ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸੁਣੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੱਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਮੁਤਰਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ, ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਵਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।